अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube की प्यारी सी फैमिली, वेलकम बैक टू फरहीन्स लाइफ। आई होप कि सभी खैरियत से ही, फिट एंड फाइन ही, अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी एकदम खैरियत से ही, मज़े में ही, अल्लाह ताला के एहसान से और आप सब की दुआओं की वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गए थे अम्मी जो कि मेरी ऑफिस के पास आ गए थे, तो हमें सोची कि अम्मी घर में दिन भर बैठ को जो है बोर होती रहती हैं, तो मैं सोची कि चलो अम्मी को हम बुला लेंगे, सोच को हमें इधर अम्मी को बुला लेते। वैसे भी इनकी वॉक भी हो आती है बहुत दिनों से, फ्रेंड्स पहले तो भी वॉक करते थे लेकिन अब बिल्कुल भी वॉक नहीं कर रही। तो इधर आ गए थे अम्मी इधर वॉक करते करते मेरी ऑफिस के पास, इट्स लाइक नियर बाई, वॉकेबल डिस्टेंस, आराम से चलने को, आगे जा वॉक कर ले को। तो अम्मी इधर आ गए थे तो हमें इधर सोचे कि चलो मुस्कान भी है, मैं अम्मी मुस्कान जो है इधर कुछ खाएंगे, ऐसा सोच को जूस है इधर मेरी ऑफिस के पास। तो हमें इधर आ गए थे, आने के बाद हमें सोचे कि इधर शवरमा खाएंगे और ये हमें शवरमा ऑर्डर कर डाले थे। तो मैं देखे मेरे जो शॉर्ट है जो कि बहुत दिन होगा दाल को, मैं वो शॉर्ट में तुम्हें देखे, मोमोज खाए हमें, शवरमा खाए और अम्मी जूस पिए, बिकॉज अम्मी बोले कि मुझे नको कुछ भी, सिर्फ मैं जूस ले लेती हूँ। तो वो सोच को जो है हमें इधर शवरमा खाए, शवरमा ओके ओके था, लाइक मोमोज मुझे पसंद नहीं आए, खा सकती सिर्फ एक बार खा सकती लेकिन मुझे इतना खास कुछ भी पसंद नहीं आया। तो मैं इधर जो है मोमोज ओके ओके बोलती हूँ, उतना खास नहीं था। तो इधर मोमोज भी खाए और हमें शवरमा भी खाए। तो इधर अम्मी बना रही जो हेल्दी ड्रिंक है वो बना रही, इसकी रेसिपी मैं तुम्हें सबको बोला लेती हूँ, रफली में बोला लेती हूँ, अगर तुम्हें भी बना रही तो तुम्हें भी ज़रूर बना को पियो, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो इधर डाले मुनक्खा, ग्रीन सॉरी ग्रीन नहीं ब्लैक मुनक्खा डाले और जो ब्राउन मुनक्खा आता है वो डाले, इसके साथ हमें डाले खजूर, जो कि खजूर हो गए थे सिर्फ इतने ही थे, तो वो डाले। वो डालने के बाद आलमंड डाले, काजू डाले, काजू ये सब कुछ डालने के बाद बनाना भी डाले और यहाँ जो है हमारा पीनट बटर ये सब कुछ डाल को हमें, अगर तुम ना हो ना तो तुम्हें ये भी ऐड कर सकती, आइस क्यूब भी ऐड कर सकती, वो भी डालो। वो भी डालने के बाद जो है इसे अच्छे से ग्राइंड करो, जितना तुम ना होना, जितना थिकनेस तुम ना, कंसिस्टेंसी तुम ना, खुद को मालूम होती कैसा होना, लाइक तुम ना अगर मुंह में तुम्हारे वो जो ड्राई फ्रूट सब कुछ नहीं आना बोले तो तुम्हें सब कुछ अच्छे से ग्राइंड करा लो, अगर आना टेस्टी दिखता है तो तुम्हें उसे अच्छे से ग्राइंड नको करो, उसे जो है दरदरा ग्राइंड करो। तो हमें इधर दरदरा ग्राइंड करे, जो कि ड्राई फ्रूट्स हम ना जो है चू करने में रहती अच्छा लगता है ऐसा सोच को, हमें इधर जो हमारा सारा जो ड्रिंक है हेल्दी ड्रिंक उसे हमें दरदरा जो है ग्राइंड करे। करने के बाद इधर डाटा ले को आगे थे आइसक्रीम, आइसक्रीम जो है हमें हर कभी भी लाइक आइसक्रीम इश नहीं, जो कुछ भी है हमारा आइसक्रीम कूल ड्रिंक सब कुछ हमें हमारी बिरयानी के बाद खाती, लेकिन वो आइसक्रीम डाइजेस्ट नहीं होती, इसलिए हमें सोचे कि चलो अम्मी इधर बिरयानी की प्रिपरेशन करते करते जो है आइसक्रीम हमारा सबको कट कर को दे डाले। तो इधर हमें आइसक्रीम जो है वो खाने के बाद बिरयानी जो है बनने को थी, बनते बनते जो है हमें इधर बनने तक हमें हमारा इधर जो पॉपकॉर्न है जो कि एवरीडे बनता है, तो पॉपकॉर्न जो है हमारे घर में एवरीडे मतलब कभी कभार बना लेती हूँ टाइम पास के वास्ते, टीवी देखते देखते, क्रिकेट देखते देखते और हमारा जो बिग बॉस है वो देखते देखते हमें खा लेती। फ्रेंड्स जब घर में रहती हूँ तो ऐसी आदत हो गई कि कुछ ना कुछ चलते रहना। तो इधर फाइनली जो हमारी बिरयानी भी है वो भी बन गई थी, इधर हमें बनाई थी मटन बिरयानी विथ चिकन, चिकन जो है था कल रात में बनाए थे चिकन, तो वो चिकन रख लेती थी और इधर हमारी जो मटन बिरयानी है वो भी बन गई थी, देखो दिखने में कितनी अमेजिंग लाइक बहुत ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है। तो इसके साथ ये जो हमारा कर्ट का कचुम्बर है, कचुम्बर नहीं बोलते इसे, कचुम्बर हमें जो रॉ जो वेजिटेबल्स डालती मतलब टमेटो और जो हमारा अनियन वो डालती उसे कचुम्बर बोलती, इसे हमें बोलती क्या इसे वाइट कलर की जो चटनी है उसे वो बोलती कर्ट की चटनी बोलती इसे रायता, तो वो जो है वो होना ही होना बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट कर, तो होगा था नेक्स्ट डे। तो इधर अम्मी नेक्स्ट डे बिरयानी जो है लंच में बना को मुझे मतलब लंच में बिरयानी दे डाले थे, तो अम्मी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाए थे, ब्रेकफास्ट में अम्मी बनाए थे बीटरोट और रोटी बनाए थे, बीटरोट मुझे सच में उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, मुझे रोटी में बहुत ज़्यादा पसंद है सो भिंडी और ये जो हमारा पम्पकिन है वो और जो और क्या पसंद था, हाँ पम्पकिन और भिंडी बहुत अच्छा पसंद, लेकिन ये जो बीटरोट है कभी कभार खा लेती लेकिन लास्ट वीक बीटरोट बनाए थे, तो मैं बोली कि नको आज मैं खाती हूँ घी के साथ, पहले हमें घी और शुगर दाल को बहुत खाते थे लेकिन आज बहुत दिन हुआ था घी और शुगर शक्कर के साथ हमारी जो रोटी है वो खा को, तो बोली कि चलो आज मैं रोटी जो है वो खा लेती हूँ और बिरयानी जो है लंच में कर लेती हूँ, बिरयानी जब बासी बिरयानी रहती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे, वो बहुत पसंद बासी बिरयानी, तो मैं बोली कि लंच में बिरयानी खा लेती हूँ, ब्रेकफास्ट में जो रोटी है वो खा लेती हूँ, ऐसा सोच को मैं रोटी में हमारा जो घी है वो और शुगर खा ली और उसके बाद मैं ऑफिस चली गई थी। ऑफिस में सेम स्केड्यूल रहता है, सेम जाती हूँ ऑफिस का काम करती, लंच करती, फिर टी ब्रेक रहता है, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती, रेस्ट मतलब थोड़ी देर ब्रेक लेती, ब्रेक सब कुछ लेने के बाद फिर से घर को आ जाती।
तो सेम रहता है, तो मैं सोची कि क्या फिर से वॉच रिपीट करना है, ऐसा सोच को मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं करी। उसके बाद अम्मी डाडा जो है, मैं ऑफिस से आने तक अम्मी डाडा डी मार्ट को चले गए थे। अम्मी सब डी मार्ट को जा रही हैं, ऐसा बोल को कॉल करे, कुछ होना क्या ऐसा पूछ को कॉल करे। तब मैं बोली अगर जा रही तो एक दो जो क्लिप ही वो शूट कर लेगा मैं मेरे ब्लॉग में ऐड करती हूँ घर को बोल कर। अभी जब डी मार्ट को गए तो तब उधर जो कुछ भी तुमने मैं दिखाई वो शूट करे। वो शूट करने के बाद लक्षंद्रा में जो कचौरी और जो जलेबी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलती, तो मैं अम्मी को बोली आने के टाइम जो कचौरी और जो ये है जलेबी वो लेको आ जाओ, ऐसा बोली। बोलने के बाद अम्मी डाडा जो है ये लेको आ गए थे जो कि बहुत टेस्टी रहती। तो देखो यहाँ कचौरी स्पेशली मुझे हर जगह भी बनती कचौरी और जो जलेबी, बट लक्षंद्रा में बहुत सालों से बन रही जो कि बहुत टेस्टी रहती। तो वो जो है वहाँ से लेको ऐसा बोले थे। और वहाँ उन्हें एक चटनी देता है गुड़ की चटनी और गुड़ और अमली दाल को बनाती, वो चटनी बहुत टेस्टी रहती है। तो वो चटनी लेको आगे, उसके साथ वो भी चटनी देती उन्हें और ग्रीन चटनी भी देती। यहाँ हमारी सारी जो कुछ भी हमारा रेशन लेको आए थे वो अम्मी इधर पूरे बॉक्सेस में डाल लेको थे, तो मैं वो भी शूट कर डाली। तो डिनर में बना था हमारा कोफ्ता, ग्रीन कोफ्ता जो कि बहुत टेस्टी बनाती अम्मी। मैं तुमने हर बार बोल चूँ अम्मी जो कुछ भी बनाती। तो आज का मैं वीडियो यहाँ एंड करने लगी। मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और इसके बाद मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं करी और ये होगा था नेक्स्ट डे। तो इधर अम्मी बना रही आलू का परोठा जो कि मेरे वास्ते लंच के वास्ते बना रही। तो फ्रेंड्स आज का मैं वीडियो यहाँ एंड करने लगी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। टिल देन स्प्रेड लव एंड पॉजिटिविटी, स्टे होम स्टे सेफ, खुश रहो खुश रखो, सबके वास्ते दुआ करो। अपने दुआओं में खास खास दुआओं में मेरे घर वालों को सबको याद रखो। आज का मैं वीडियो यहाँ एंड करने लगी हूँ, तब तक के लिए चलो अल्लाह हाफिज़।